बताता हूँ तुम्हें, नए नए भर्ती हो गए, तेरे बिना बात करने की उम्मीद नहीं है। कोरोना के कहर के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इस बीच रविवार देर शाम कानपुर के दलेरपुरवा में जमकर हंगामा हुआ, जब दरोगा अभिषेक सोनकर और फहीम खान ने विधायक इरफान सोलंकी के एक समर्थक का चालान काट दिया। इसके बाद इरफान सोलंकी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और वहां जमकर बवाल काटा। ध्यान रखना, तुमने गांव के विधायक देखे होंगे, नहीं बेहतर तुम्हें हम बताएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने मास्क ना पहनने पर सपा विधायक का ही 1,000 रुपए का चालान काट दिया। फिर क्या था, इस बात से बौखलाहट में आकर इरफान सोलंकी ने चालान काटने वाले दोनों दरोगाओं को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चालान काटने की, तुम मुझे गांव का विधायक ना समझना, अब तुम दोनों रहोगे या मैं। पुलिस झड़प के बाद सपा विधायक के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ पोस्ट भी किए जा रहे हैं। पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगा, शहर में बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। उधर इस मामले में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने विधायक को नसीहत देते हुए चालान करने वाले दोनों दरोगा को 1,000 रुपए का इनाम दिया है। इरफान सोलंकी कानपुर की सीमा मऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है। इरफान सोलंकी का नाम अक्सर विवादों से जुड़ता रहा है। इरफान को राजनीति विरासत में मिली है, उनके पिता हाजी मुश्ताक कानपुर शहर के बड़े नेता थे और मुलायम सिंह यादव के करीबी भी। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने चालान करने वाले दोनों दरोगा को इनाम देकर विधायक का गुरूर जरूर तोड़ा है।